नमस्कार, मैं शोभा राम, फार्मर द जर्नलिस्ट, कृषि जागरण की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपको बताते हैं केले में फ्यूजेरियम बिल्ट की दवा। ये दवा केंद्रीय उत्पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये दोनों संस्थान मिल करके इस दवा को तैयार किए हैं। दवा तैयार करने में डॉक्टर यश शैलेंद्र राजन जी और डॉक्टर टी दामोदरन जी, डॉक्टर राम गोपाल जी के बहुत मेहनत करने पे इस तरह से यह दवा तैयार हुई। ये पूरी फसल को फ्यूजेरियम बर्बाद कर देती है जिस तरह से, तो इसका नाम रखा गया दवा का फ्यूजी कांट। फ्यूजी कांट का उपयोग 4 किलो 200 लीटर पानी में डाल करके बनाया जाता है और यह दवा किसान को बहुत लाभकारी है फसल बचाने के लिए। जो फसल तैयार है उसमें डाल करके उकठा रोग को बचाया जा सकता है। इसके बाद उस दवा का जो है इस्तेमाल आप करिए और बाद में फसल को बदल दीजिए। फसल चक्र भी साथ में अपनाना बहुत ज़रूरी है। फसल चक्र अपनाइए और अनेक तरह की फसल लीजिए तो कई सालों बाद जो है जब केला लगेगा उसी खेत में फिर से, तो बढ़िया फसल पैदावार देगी। और इस तरह से बीमारी लगने पे पूरी फसल एकदम नष्ट हो जाती है, जिसके लिए ये दवा बनाई गई है। और आगे अभी इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं किस तरह से दवा बना करके कैसे तैयार की जाती है। ICR फ्यूजीकांट बनाने के लिए इसमें 4 किलो ICR फ्यूजीकांट 200 लीटर पानी में बनाया जाता है। इसके लिए गुड़ की ज़रूरत होती है और बेसन की, तो गुड़ और बेसन दोनों हमने पानी में पहले घोल लिया है। ये इस पानी में गुड़ भी घोल दिए हैं और बेसन भी, क्योंकि इसमें थोड़े से ही हम आपको बना के दिखा रहे हैं। बाकी जो है आप जब बड़े स्तर में बनाएंगे तो इसी तरह से ये बनेगा। केले में किस तरह से बीमारी का कैसे काम करता है, इसको हर 40 से 50 दिन पे मतलब इसको डालना रहता है। जैसे पौधा लगने के बाद जो है, अब तो टीके वाला भी पौधा आ गया है, इसका टीका भी तैयार हो गया है CSIR से। और इसका जो है पौधा बहुत बेहतर चल रहा है। जिस जगह पे बीमारी लगी है उस जगह पे बीमारी में कंट्रोल करने के लिए यही एक दवा है। इसके बाद जो है खेत की साफ सफाई रखें और फसल चक्र अपनाएं और दवा बराबर इस्तेमाल करें, ताकि जो है इसको एक तरह से ट्राइकोडर्मा भी कह सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा ही उसी तरह से तैयार किया गया है, ये पूरी तरह से जैविक है। और इसको अभी बना के दिखाते हैं। जैसे इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया फ्यूजीकांट और गुड़ जो है पहले से घोल लिए थे पानी में। अब इसको एक साफ डंडे से इसी तरह से चला लिया जाता है। अब ये पूरा घुल गया। अब इसको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इसको रख दिया जाता है। 2 दिन कम से कम इसको रख दिया जाए ढक करके साफ कपड़े से। ठंडी में 2 दिन, गर्मियों में तो 1 ही दिन में बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब इसमें पूरी बैक्टीरिया फैल जाएंगी। इसमें 100 ग्राम बेसन और 200 लीटर में 250 से आधा किलो गुड़ डाल दीजिए। अब इसके बाद इसको डालने के लिए एक पौधे प्रति पौधे में 0.5 लीटर लगभग डाला जाए जड़ के पास किनारे के। अभी डाल के दिखाते हैं। इस तरह से पौधे में ऐसे किनारे किनारे इसको डाल दिया जाता है। एक पौधे पे 0.5 लीटर फ्यूजीकांट फार्मूला इस तरह से डाला जाएगा।
आप सभी का कृषि जागरण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।